पिछली क्लास में हमने कार्डिनलिटी की बात करी थी कि कार्डिनलिटी क्या होता है, डेटा मॉडलिंग में इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा मॉडलिंग में इसके यूजेस एग्जैक्टली है क्या। तो उसके लिए हमने एडवेंचर वर्क्स 2022 का एक डेटा है मेरे पास, वो हमने लिया है। इस डेटा के अंदर टोटल 7 टेबल्स हैं। इफ मैं पहले टेबल की बात करूँ तो पहला टेबल इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट की इनके पास लेट मी डू वन थिंग, पहले मैं इसको ओके सो इनके पास प्रोडक्ट की है, देन वी हैव प्रोडक्ट, माय बैड। तो इनके पास पहले प्रोडक्ट की है, इसके बाद प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, इसके बाद कलर है, इसके बाद बैकग्राउंड है, फॉन्ट है और फॉर्मेटिंग है। इसी चीज को हम चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं डेटा व्यू में। पहला टेबल आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, जिसमें पहला पहला कॉलम प्रोडक्ट की है, इसके बाद प्रोडक्ट है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस कैटेगरी और सब कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है और फॉन्ट कलर फॉन्टिंग क्या है। तो ये है प्रोडक्ट टेबल में। इफ मैं रीजन की बात करूँ तो रीजन एक बहुत ही छोटा सा टेबल है जिसमें कि हर टेरिटरी की के पर्टिकुलर आईडी है, अलॉन्ग विद दैट वो किस रीजन में बिलोंग करता है, नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल में, वो है। उसके अलावा उसकी कंट्री क्या है और वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। देन उसके बाद दूसरा टेबल है रीसेलर टेबल, जिसमें कि रीसेलर की है, रीसेलर का बिजनेस टाइप क्या है, रीसेलर का नाम क्या है, रीसेलर किस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है और किस कंट्री से बिलोंग करता है। उसके बाद का जो टेबल है वो सेल्स है। इसमें हर सेल्स का ऑर्डर नंबर, उसका ऑर्डर डेट, उसकी प्रोडक्ट की, उसकी रीसेलर की, उसकी एम्प्लॉय की, उसकी सेल्स टेरिटरी की क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स और कॉस्ट है। इसके बाद एक टेबल है जिसमें कि सेल्स पर्सन के पूरे इंफॉर्मेशन है, उसकी एम्प्लॉय आईडी, उसका एम्प्लॉय की, सेल्स पर्सन टाइटल और यूपीएन नंबर। इसके अलावा एक और टेबल है जो कि सेल्स पर्सन रीजन है। इसमें हर सेल्स पर्सन के रीजन बताया गया है कि एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस सेल्स की टेरिटरी की के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन इसके बाद हमारे पास टारगेट है, हर एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर टारगेट है मंथ का, और वो टारगेट इस टेबल में बताया गया है। अब इफ हमें कोई भी रिलेशनशिप बनानी है इस सॉरी कोई भी विजुअलाइजेशन बनाना है इस टेबल के बीच में, तो ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा, इफ मैं सिंपली मैनेज रिलेशनशिप में जाऊं और यहां से मैं सबको डिलीट कर दूं, सो पावर बीआई बहुत स्मार्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स जो है वो यहाँ से डिटेक्ट कर लेता है। मैं अब सारे रिलेशनशिप को डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। सारे डिलीट कर दो यार। आप यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके सबको सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से डिलीट करके और ऐसे करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब जब सारे रिलेशनशिप्स हमने डिलीट कर दी और अब मैं एक बार विजुअलाइजेशन बनाने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि विजुअलाइजेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लोज कर दिया मैंने, रिपोर्ट व्यू में गई। अब लेट्स से मुझे पर रीसेलर की सेल्स निकालना है, तो उसके लिए मैं एक चार्ट बनाऊंगी, उसके बाद रीसेलर और रीसेलर की लेट्स से सेल्स। तो अभी आप देखो एक आपको एक एरर आ रहा है, कांट डिस्प्ले दिस विजुअल सी डिटेल्स। जब आप सी डिटेल्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि कांट डिस्प्ले द डेटा बिकॉज पावर बी आई कांट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फील्ड्स। सो इफ आपको विजुअलाइजेशन बनाना है तो इट इज नेसेसरी टू हैव रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। इफ मैं जो थर्ड ऑप्शन है इस पर्टिकुलर शीट पे, वो एक्चुअली हमें यही बताता है कि टेबल के बीच में रिलेशन क्या है। वो डेटा जो मॉडल व्यू है वो हमें डेटा मॉडलिंग का ही ऑप्शन बताता है। अब यहाँ देखो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप क्रिएटेड नहीं है। हाउएवर जब हमने अपडेट अपलोड किया था डेटा सेट तब वो क्रिएटेड था, बट मैंने डिलीट कर दिया उसको दिखाने के लिए आपको कि कैसे चीजें चलती हैं। अब
इन सबको एक टेबल एक जगह कर देते हैं हम। अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है। आप चाहो तो रिलेशनशिप खुद बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन है मैनेज रिलेशनशिप का, उस पर आप सेलेक्ट करोगे, डिटेक्ट करोगे ऑटो डिटेक्ट, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी रिलेशनशिप होगी वो यहाँ पे दिख जाएगी और वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट हो जाने के बाद आप सिंपली क्लोज करो और अब आप देखोगे तो रिलेशनशिप इन टेबल्स के बीच में बन गया है। इफ मैं वापस जाऊँ रिपोर्ट व्यू पे, तो अब देखो अब जो आपकी विजुअलाइजेशन है वो यहाँ पे दिख रही है, राइट? इफ यहाँ पे हटा दो और सिटी लगा दो और सिटी वाइज सेल्स दिखा दो, तो यहाँ पे अब आपको सारी चीजें दिख रही है, सिटी वाइज सेल्स दिख रहा है लाइक दिस, है ना? तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, सिटी वाइज सेल्स दिखा सकते हो ऐसे करके। तो अब आपका विजुअलाइजेशन, सिंपल तरीके में बात करें तो अब आपका विजुअलाइजेशन जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं कि टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इफ आप अभी नोटिस करो तो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग सा एक डायग्राम दिख रहा होगा, बट जब आप दो टेबल्स को कनेक्ट करके चीजों को देखना शुरू करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। अभी देखो रीजन और सेल्स टेबल के बीच में, रीजन में 1 लिखा है और सेल्स टेबल में स्टार्ट लिखा है, और जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करती हूँ दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है सेल्स टेरिटरी की। तो जब भी आपको रिलेशनशिप बनाना होता है तो यू नीड टू इंश्योर कि उन दोनों टेबल में एक कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए, जो कि एक टेबल में, यहाँ मैं बात करूँ इफ इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की, तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो है ये सेल्स टेरिटरी की वो प्राइमरी की है, लेकिन इस सेल्स टेबल में वो फॉरेन की है। इफ आपको रिलेशनशिप देखना हो सिंपली इस एरो पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे देखो सेल्स जो है, यहाँ सेल्स टू रीजन में मेनी टू वन का रिलेशन है। जो सेल्स है उसको हमने सोर्स टेबल माना है और जो रीजन है उसको हमने माना है डेस्टिनेशन टेबल, और दिस इज द रीजन यहाँ मेनी टू वन का रिलेशन बन रहा है। मेनी टू वन का रिलेशन मतलब यहाँ पे जो सेल्स टेरिटरी देख रहे हो यहाँ 4 4 4 मल्टीपल टाइम्स है, हाउएवर रीजन वाले में 4 इज सिंगल टाइम ओनली, सो इसीलिए ये मेनी टू वन का रिलेशनशिप हो रहा है। इफ आपको डायरेक्शन देना है आप बोथ साइड भी दे सकते हो यहाँ पे। हाउएवर जब आप कार्डिनालिटी चेंज करने जाओगे तो जो कार्डिनालिटी पॉसिबल नहीं है उस पे आपको एरर आ जाएगा कि दिस कार्डिनालिटी यू हैव सेलेक्टेड इजंट वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो पावर बीआई बहुत स्मार्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है कि कौन सा रिलेशनशिप बनना चाहिए। इफ मैं इस पे जाऊं, टेबल पे दोबारा जाऊं और मैं यहाँ पे अब रीजन कर दूं, तो इस नोटिस करना अभी जो कार्डिनालिटी है वो है मेनी टू वन की। इफ मैं यहाँ पे रीजन कर दूं और यहाँ पे सेल्स कर दूं तो जो कार्डिनालिटी है वो वन टू मेनी की आ गई, राइट? सो आप यहाँ से वन टू मेनी या मेनी टू वन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सोर्स और डेस्टिनेशन टेबल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अगेन इफ मैं बात करूँ रीसेलर टेबल की, तो यहाँ पे भी रीसेलर टेबल का सेल्स के साथ वन टू मेनी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जितने भी टेबल्स हैं उन सब का एक दूसरे के साथ वन टू मेनी या मेनी टू वन का रिलेशनशिप है। इफ आपको कोई भी टेबल इस पर्टिकुलर डेटा मॉडलिंग से हटाना हो तो आप सिंपली यहाँ से डिलीट फ्रॉम मॉडल करेंगे और वो पर्टिकुलर टेबल वहां से डिलीट हो जाएगा। गाइस, तो इफ दो टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप बनाना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलम दोनों टेबल पे कॉमन हो, अदरवाइज इफ उनका नेम भी अलग हो तो चलेगा लेकिन डेटा शुड बी सेम। फॉर एन एग्जाम्पल इफ यहाँ पे प्रोडक्ट की है और यहाँ पे प्रोडक्ट की का नाम पी की है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम मैनुअली बना लेंगे, बट जो डेटा होना चाहिए वो दोनों का सेम होना चाहिए तभी वो बन जा पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर टेबल में जो है वो रीसेलर की जो है वो है हमारा प्राइमरी की, तो रीसेलर की दूसरे टेबल में भी होना चाहिए तब जाके ही इस टेबल का किसी भी टेबल के साथ रिलेशनशिप बन पाएगा, अदरवाइज रिलेशनशिप कभी नहीं बन सकता, ठीक है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वन टू मेनी और मेनी टू वन रिलेशनशिप हमने कैसे बनाया। इसके बाद लेट मी ओपन अ न्यू पावर बीआई फाइल। अब मेरे पास एक और डेटा है, उस डेटा पे इफ मैं बात करूं, लेट मी डू वन थिंग,
ये एक टेबल है, ठीक है, और ये एक टेबल है। तो हमारे पास दो टेबल्स अवेलेबल हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी बताऊंगी कि वन टू मेनी और वन टू वन कैसे काम करता है। सो गाइस हियर नोटिस करो, एम्प्लॉय आईडी 1234561 1234561। तो यहाँ इन दोनों टेबल के जो एम्प्लॉय आईडी है उनके वैल्यूज 1 1 है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो 1 to 1 का होगा। अब उसको चेक करने के लिए मैं वापस जाती हूँ पावर बीआई पे। यहाँ पे मैं सिंपली एंटर डेटा करती हूँ और अपने डेटा को एंटर करती हूँ और कॉलम्स में बना लेती हूँ और डेटा को पेस्ट करती हूँ, लोड करती हूँ और दूसरा डेटा भी तब तक मैं कॉपी कर ले रही हूँ। माय बैड, कंट्रोल सी, वापस पावर बीआई में गई मैं। पहला डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है, एक बार वो लोड हो जाएगा फिर हम इसको भी लोड कर लेंगे। ओके ये लोड हो गया, दोबारा एंटर। इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, इस पे और कॉलम्स क्रिएट कर लूंगी मैं क्योंकि हमारे कॉलम्स ज्यादा हैं। कंट्रोल वी कर लिया, लोड। गाइज नोटिस करना, दोनों जो मैंने डेटा पेस्ट किया है ना उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इफ मैं टेबल टू की बात करूँ तो टेबल टू में ऑटोमेटिकली उसको हेडर ले लेगा क्योंकि ओके टेबल टू में देखो तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय ईमेल और फोन ये ऑटोमेटिकली हेडर है क्योंकि मैंने हेडर पे पेस्ट किया था। हाउएवर यहाँ पे वो चीज नहीं है, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री आ रहा है। दोबारा मैं रिपोर्ट व्यू पे जाऊंगी, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गई, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गई और यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर कर लिया ताकि हम मेरा जो पहला रो है वो हेडर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। सो आई होप इसका भी यूजेस कैसे कैसे करना है आपको समझ में आ रहा है। होम पे गई मैं, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया, क्लोज एंड अप्लाई। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा। इफ अब मैं डेटा मॉडलिंग पे जाऊंगी तो अब जो रिलेशनशिप बिल्ड होगा वो देखो 1 to 1 का हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी, और वो दोनों में ही यूनिक है। दिस इज द रीजन इनके बीच जो कार्डिनालिटी है वो 1 to 1 की है। तो आई होप 1 to many, many to 1 और 1 to 1 आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ताकि डेटा मॉडलिंग हमें और अच्छी तरीके से समझ आ जाए।